नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। तो आज मेरे परिक्रमा का 36वां दिन है और सुबह के बज रहे हैं 7:42। मैंने अपनी परिक्रमा पोइचा से नीलकंठ धाम से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। आज किलोमीटर और कितना दूरी जाना है और कहाँ जाना है ये दोनों का मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। तो बस परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं और जैसे जैसे जो जो रास्ते में आएगा हम साझा करते जाएंगे। नर्मदे हर। सुबह के 8:30 बजने को आ गए हैं और अभी तक मैं परिक्रमा मार्ग सही तरह से ढूंढ नहीं पाया हूँ क्योंकि कहीं पे कोई निशान नज़र नहीं आ रहा है परिक्रमा मार्ग का। और जहाँ से सब लोग बता रहे हैं वो रोड पे से बता रहे हैं और रोड जो है मैया से लगभग 8 किलोमीटर दूर हो जाती है। और परिक्रमा का एक नियम है कि आप मैया से 3 किलोमीटर की दूरी से अधिक नहीं जा सकते। तो यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे एक गांव में से एक रास्ता है, मैं कोशिश करता हूँ उस रास्ते को पकड़ने की। उसमें से मुझे एक छोटी सी नदी को पार करना रहेगा। कोई परिक्रमावासी भी नज़र नहीं आ रहा है। देखते हैं क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और तो वक्त हुआ है 8:40 और हमारी सारी परेशानियों का हल हमें मिल गया है। अभी यहाँ से हमको थोड़ा रोड पे जाना रहेगा, हाईवे पे नीलेश्वर महादेव तक हमको जाना है और उसके बाद में हम थोड़ा सा मैया के साथ में चलेंगे। तो चेहरे पे आनंद तो आपको दिखाई दे रहा होगा जैसे ही खबर मिली और पता चला कि आगे का रास्ता क्या है। हमें रोड पे नहीं चलना पड़ेगा, बस थोड़ी दूर और फिर हम मैया के साथ होंगे। तो चलते हैं और पहुँचते हैं नीलेश्वर महादेव। तो यहाँ से मैं ये हाईवे छोड़ के अब लगभग 1 किलोमीटर की दूरी मैंने तय करी और यहाँ से अंदर की तरफ बढ़ रहा हूँ। जलाराम आश्रम और सुखदेव मंदिर और नदी के किनारे पहाड़ भी आएगा। तो यहाँ से थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई और दिल को थोड़ी तसल्ली भी हो रही है। चलिए और ये फिर से हम प्राकृतिक सौंदर्य में आते हुए। बाहर हाईवे के ऊपर सड़कों पर दौड़ते हुए बड़े वाहन और उनके पहियों से आने वाली वो आवाज़ बड़ा ही अजीब सा एक सर में दर्द कर रही थी। और यहाँ देखिए आप अगर सन्नाटे में भी चल रहे हैं तो सुकून का एहसास कर सकते हैं। छोटे मोटे वाहनों की आवाज़ तो फिर भी चल जाती है पर बड़े वाहनों के पहियों की आवाज़ बड़ा ही मन को विचलित कर देती है। नर्मदे हर बाबा। कि यहाँ पर मार्ग में कोई निशान नहीं है। अगर मैं नीचे जाता हूँ तो वहाँ से उधर ऊपर आना पड़ता है और अगर इधर आगे जाता हूँ तो बड़ा अजीब सा है, घर तक रास्ता जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो नर्मदे हर बोल के दूर जो आपने दिखाई दिया उससे वार्तालाप हुई और दूर से संचार माध्यम से कनेक्ट होके पूछा कि परिक्रमा मार्ग कौन सा है। तो उन्होंने कहा कि आप नीचे से इस सड़क मार्ग से जाइए और घूम के आप मैया के पास पहुंच जाएंगे। तो बस हम नीचे आ गए। देखिए परिक्रमा में बीच बीच में जब इस तरह से उतार चढ़ाव आते हैं और आपको 4 कदम भी ऊपर नीचे होना पड़ता है और आपकी गति में जब अवरोध आते हैं तो आपको थोड़ा सा गुस्सा सा आने लगता है, चिड़चिड़ापन सा शुरू होने लगता है।
पर अगर आपने उस पर काबू पा लिया है और आप ऐसे ही मंद मंद मुस्कुराते रहते हैं तो आपका आनंद परमानंद में बदल जाता है। नर्मदे हर माजी, ये परिक्रमा मार्ग नर्मदे हर। तो यहाँ माजी हमको मिल गई और उन्हें बताया कि यही परिक्रमा मार्ग है और मैया भी एकदम सामने नजर आ रही है। और ये देखिए हमें यहाँ पे लाल झंडे के निशान भी मिले, हालांकि यहाँ पे मैया के परिवार भी हैं मगरमच्छ। तो जरा संभल के आप लोगों को एक बात बताऊं, अब फिर से बहुत मजा आने वाला है क्योंकि हम एकदम प्रकृति के अंदर आ गए और मैया के एकदम साथ चलने वाले हैं। आप देखिए ये मेरे चेहरे की मुस्कान और ये रौनक और ये जो लालिमा आ गई है ना, ये बस मैया की बदौलत है। देखिए आप, ये देखिए, बस बिल्कुल ऐसे मैया के साथ इस पगडंडी पे चलेंगे। अगर पूरे परिक्रमा का मार्ग ऐसा ही होता ना तो बड़ा ही आनंद रहता। वाह वाह, ये घास पे सुबह सुबह की ओस आपको थोड़ी थोड़ी नजर आ रही होगी। पर मैं आपको यहाँ से पूरा दूर दूर तक का मंजर दिखा देता हूँ। और ये देख के बीच में मैया के कुछ बाग ऐसा भी है जहाँ पे रेत आपको नजर आएगी। और हम इधर परिक्रमा में आगे बढ़ते जाएंगे। देखिए हम हैं तो इस तरह के जंगल में ही, और यहाँ पे हमें जरा संभल संभल कर चलना पड़ेगा। और जो भी है परिक्रमा का मार्ग यही है, कुछ भी हो सकता है। मेरे को शूल पाने के बाद में अभी तक का ये मार्ग सबसे बेहतर मार्ग लगा। और जब आप अकेले होते हैं परिक्रमा में तो इधर से या इधर से बहुत ज्यादा घना हो गया और कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करेंगे। ये देखिए ऊपर तक, आपको पकड़ते हैं और इनके बीच में से देखिए यहाँ पे अगर खट्टे में गलत पैर रखा जाता तो नीचे जाने में भी देरी नहीं लगती।
क्या हुआ, नौका में पानी भर गया? नौका में पानी भर गया? कैसे भरा, छेद है क्या? हाँ अच्छा, और ये फिर से झंडे का निशान परिक्रमा मार्ग को दर्शाते हुए। तो यहाँ पे जलाराम आश्रम का एक बोर्ड मारा हुआ है और यहाँ से ऊपर की तरफ जाना रहेगा। तो यहाँ से मैया को हमें छोड़ना पड़ेगा, थोड़ा सा दूरी बनानी पड़ेगी, क्योंकि आगे का जो परिक्रमा मार्ग है वो जलाराम आश्रम पे पहुँचने के बाद ही पता चलेगा कि आगे मैया के साथ में या फिर से हमें कोई कच्चा सड़क मार्ग या कहाँ से जाना होगा। अब आप मेरे साथ में इन गहरे नाले के बीच में चल रहे हो, जहाँ पर दोनों तरफ बड़े बड़े मिट्टी के पहाड़ हैं और ऐसे ऊंचाई पर लगे हुए वृक्ष देख रहे हैं आप, कितने आनंददायक जगह है। पर जल्दी हम जलाराम आश्रम पे होंगे। तो वक्त हुआ है 10:40 और आप मेरे पीछे देख रहे हैं जलाराम आश्रम। यहाँ पे मैंने 10 मिनट का जरा विश्राम लिया और परिक्रमा को आगे बढ़ा दिया। बड़ा ही सुंदर स्थान है। ये है वेद व्यास करजन संगम तीर्थ, सुखदेव और व्यास भगवान की तपस्थली रोंडे गांव। पहले गांव यहीं था, 68-70 में जब प्रलय हुआ तो गांव कट गया, गांव यहाँ से 3 किलोमीटर ऊपर बसा दिया। सामने जो मंदिर दिखाई देता है सुखदेव भगवान का है और बीच में जो है व्यास भगवान है। ये करजन मैया है, ये राजा कर्णा ने बाण मार के नदी प्रकट किया, कर्ज मुक्त करजन। पूर्वजों के कर्ज के अंदर से मुक्त होना तो संगम स्नान का महत्व बताया। तो ये करजन मैया, ये नर्मदा मैया, ये दोनों का ये संगम है। एक बार पार्वती मैया भोलेनाथ दोनों यहाँ आए, जब प्राकृतिक सौंदर्य देखा तो पार्वती मैया ने भोलेनाथ को बोला कि आप संगम के ऊपर तांडव नृत्य करो। अमरकंठ से लेकर समुद्र किनारे की जगह संगम के ऊपर स्वयं भोलेनाथ ने तांडव नृत्य किया। उसी से वो रुद्रकुंड प्रसिद्ध हुआ। वो पाताल के अंदर है, लुप्त है, प्रकट नहीं है। स्कंद पुराण नर्मदा पुराण में रुद्रकुंड का उल्लेख है। जब भोलेनाथ जब तांडव नृत्य करे तो शरीर से पसीना बहने लगा, जटा से गंगा मैया नीचे आने लगी, तो पार्वती मैया ने देख लिया। भोलेनाथ के गले में वासुकी नाग रहता था, तो पार्वती मैया ने वासुकी नाग को बोला कि आप गंगा मैया को पी जाओ। जैसे आदेश मिला तुरंत वासुकी नाग ने गंगा मैया को पी गया। गंगा मैया को क्रोध आ गया, उन्हें श्राप दे दिया वासुकी नाग को कि आप भोलेनाथ के गले से सदा के लिए वंचित मतलब दूर हो जाओ। वासुकी नाग बोला गंगा मैया मेरी कोई गलती नहीं, पार्वती मैया ने बोला मैं आपको पी गया, बोले श्राप आपको पूर्ण करना पड़ेगा। वासुकी नाग आए पार्वती मैया के पास, माता जी रास्ता बताओ, गंगा मैया ने मेरे को श्राप दे दिया। पार्वती मैया बोला भोलेनाथ के पास जाओ, रास्ता आपको वही बताएंगे। भोलेनाथ को प्रणाम किया, वासुकी नाग ने पूरी कहानी बताई। भोलेनाथ बोला वासुकी नाग आपने गंगा मैया को पी के बहुत बड़ी गलती कर दिया है, अब आपको इस संगम के ऊपर तपस्या करना पड़ेगा। इतना बोल के पार्वती मैया भोलेनाथ दोनों चले गए। फिर वासुकी नाग आए ये रुद्रकुंड संगम के ऊपर से, नर्मदा जी का हर कंकर शंकर है। फिर एक भोलेनाथ लिए, अपने हाथ से स्थापना किया, उसका नाम पड़ा नागेश्वर महादेव। वासुकी नाग ने घोर तपस्या किया,
सौ साल तपस्या किया। 100 साल के बाद भोलेनाथ प्रकट हुआ, बोले माघ माघ वासुकी किया चाहिए। वासुकी नाग ने बोला 100 साल से गंगा मैया मेरे पेट के अंदर है, पहला आप उसका रास्ता बताओ। भोलेनाथ बोले करण तरु गुफा है, करंजा नदी, करण तरु गुफा के अंदर तू गंगा मैया को उगल दे। तो ये करंजा नदी का दूसरा नाम है उगली नदी, क्योंकि गंगा मैया को उगल दिया। और तीसरा नाम है नागवा नदी, स्वयं वासुकी नाग ने तपस्या किया है। तो ये संगम तीर्थ है। महाराज साइकिल से परिक्रमा करते हुए, कितने दिन से कर रहे हो महाराज परिक्रमा? अब मैंने जोड़ने वो एक पहला होगी, 3 साल फिर दूसरी कर दी अभी, ये बराबर है दूसरी। बहुत बढ़िया, अमरकंठ होके आ गया, जबलपुर से उठाई, जबलपुर से उठाई है, हाँ ठीक है, तिलवाड़ा घाट, हाँ। तो देखिए परिक्रमा के दौरान आपको इस तरह से अपना भोजन बनाना पड़ता है और आश्रम में खिलाना भी पड़ता है, पर कुछ किस्मत वाले होते हैं जो फोन का वीडियो बनाते समय आराम से मौज कर रहे होते हैं और बाकी लोग काम पे लगे रहते हैं। काम पे लगा के तो आनंद आ रहा है मुझे कि मेरे लिए इतने भोजन प्रसादी तैयार हो रही है, और आनंद इन सबको भी आ रहा है कि इनके सबके घर वाले भी इनको वीडियो पे देखेंगे। नर्मदे देखिए, माजी की तबीयत 2 दिन खराब थी, लेकिन आज देखिए क्या मस्त हाथ चल रहे हैं इनके। और ये देखिए, ये पहले से इनकी प्लानिंग है कि इतने मोटे मोटे गोले बनाओ ताकि रोटी एक रोटी में सब निपट जाए। ये महाराज कुछ बोल नहीं रहे हैं, इन्होंने अपनी 4 रोटियां पहले ही साइड कर ली हैं पतली पतली बना के। और ये अक्षय है, ये तो बोलेगा ही नहीं, ये तो बड़ा शाना बन के घूम रहा है। आंटी सुन रहे हो ना आप मैं क्या बोल रहा हूँ? घर वाले सब देख रहे हैं, सब देख। आंटी मैं बताऊं, अब आने के बाद खाना इसी से बनवाना। देखिए ऐसे तो परिक्रमा में आपको अकेले चलना होता है, अकेले रहने की आदत डालनी चाहिए, लेकिन एक और नियम ये है कि जब भी आप जाओ उस अवस्था में आप आनंद में होने चाहिए। जब जिसके साथ में हो तो बिल्कुल परिवार की तरह प्यार से सबसे मिलते चलिए और मौज में रहिए, और फिर जब अकेले हो तो अपने आनंद में है। धन्यवाद यार। तो वक्त हो चला है 1:42 और आश्रम में मैं थोड़ी देर के लिए रुका था और चाय लेने के लिए बैठा था, और फिर धीरे 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 करके वक्त इतना होता चला गया कि भोजन प्रसादी का वक्त हो गया। अब परिक्रमा को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, और ये जो यहाँ से हम थोड़ा थोड़ा शूल पानी के जंगल जैसा महसूस कर सकते हैं, लेकिन ये शूल पानी के जंगल नहीं है और बहुत ही सुंदर सुंदर क्षेत्र है, प्राकृतिक है, और मैं एक के साथ में है। तो थोड़ा सा नीचे उतरते हैं और आपको नीचे का भी दृश्य दिखाता हूँ। फिर देखिए यहाँ पे सभी परिक्रमावासी आके रुक गए हैं और नर्मदे देख रहे कि यहाँ से अब ये कैसे पार करेंगे संगम वाली ये नदी।
आगे तो मैया है, मैया को तो पार नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पे पानी में आपको काई भी नजर आ रही होगी। और ये नौका आ गई हम लोगों के लिए। भरोसे था मारी नाव भरोसे चले रे मैया जी मारी नाव घनो उंडो यो भवसागर में उतर सकू ना पार हर निगाह करूं तो नजर नी आवे भवसागर को पारे भर से था के चाले रे मैया जी मारी ना नहीं छे मारे कुटुम कबीलो नहीं छे जी परिवार आप बिना दूजो नहीं सूजे मुझको खेवन हारे भरोसे था के चाले मैया जी मारी ना। गाते रहो गाते रहो। मेरी नैया पड़ी है मझधार मैया इसे पार लगा दे। मेरी नैया पड़ी है मझधार मैया इसे पार लगा दे। तेरी माला जपुआ दिन रात मैया इसे पार तो गोविंद भाई ने हमारी नौका पार लगा दी है। गोविंद बाद नर्मदे हर वीडियो नहीं खींचो। अरे इतने बढ़िया लग रहे आप। चलिए नर्मदे हर। हर भैया इधर मगरमच्छ नहीं आता? मगर नहीं आता यहाँ? वो सामने तो दिखा था एक अभी सुबह में। हाँ तो इस तरफ नहीं आता। अच्छा कभी भैंस वैंस पकड़ ली मगर ने ऐसा? भैंस नहीं पकड़ता? अच्छा देखिए अभी धूप बहुत तेज है, मैया के पास चल रहे हैं लेकिन गर्मी बहुत लग रही है और हरियाली भी नजर आ रही है। इस हिसाब से थोड़ी जल्दी थक जाने वाला हूँ, बाकी तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कोई छांव वाला स्थान देखते हैं। यहाँ पर मैया का भाव बहुत ही तेज है, आप आवाज़ भी सुन सकते हैं। ये इतने विशाल पहाड़ और उसमें इतना बड़ा कटाव और इस तरह से पूरे पहाड़ का कट के मैया में समा जाना, इतना पहली बार देख रहा हूँ मैं ये। फिर से मैंने ये हिस्सा भी थोड़ा पार कर लिया है, हालांकि अब लग रहा है कि गर्मी तेज है और मुझे थोड़ा पानी पी लेना चाहिए और थोड़ी मूंगफली भी खा लेनी चाहिए। तो वक्त आ गया है शरीर को थोड़ी एनर्जी देने का, फूड की एनर्जी तो पूरी हो गई है। नर्मदे नर्मदे
ये टेक्निक्स मैं भी जंप करके निकला हूँ। परिक्रमा में आगे बढ़ते बढ़ते काफी थक गया था और जो भोजन प्रसादी मिली थी वो तो पूरी हो चुकी थी हजम। और सोचा आगे जाके हनुमान जी का मंदिर है वहां पे बैठूंगा और जल ग्रहण करूंगा। और यहाँ पे मैया ने प्रसाद खिला दिया, गुजरात की फेमस सुखड़ी यह हमको खाने को मिल गई और ये नारियल। हर अभी तक की सबसे ऊर्जावान जगह और एकदम शांत जगह और मैया लोग यहाँ पे दीपक आरती करते हुए नर्मदे हर। इतनी देर धूप में चलने के बाद में मैया के साथ चलने के बाद में आखिरकार थोड़ी प्रसाद भी मिली और अब इस छाँव के अंदर और इस ठंडे वातावरण के अंदर चलने का आनंद आ रहा है। अन्न क्षेत्र महादेव मंदिर तो वक्त हो चला है 3:45 और यहाँ से लगभग मुझे 6 किलोमीटर की परिक्रमा और आज बढ़ानी है और अभी तक मैं शायद 8 और 6 9 10 पता नहीं अभी तक कितने किलोमीटर चल के आया हूँ। शाम को परिक्रमा के अंत में बताऊँगा कितना किलोमीटर चल के आया। लगभग 8 किलोमीटर वो और 7 किलोमीटर 8 9 10 15 किलोमीटर मैं लगभग चल चुका हूँ। कुल मिला के 22 किलोमीटर की परिक्रमा होने वाली है। अभी बैठ के थोड़ा कैलकुलेट करके देखा था तो थकान निकल चुकी है, थोड़ी चाय पी और ये थकान एकदम से बनी थी, क्यों बनी थी पता नहीं, आज तो मैया के साथ भी थे फिर भी। खैर यहाँ पे जो है अभी जहाँ पे चाय पी पीछे बहुत ही अच्छी ऊर्जा थी, मन तो एक बार कर रहा था यहाँ रुकूँ लेकिन आगे जो है वहाँ पे कुछ 3 मंदिर है शिव जी के तो फिर कल वहाँ पे रुकना पॉसिबल नहीं हो पाएगा तो सोचा कि आज ही चल लेते हैं वहाँ पे। यहाँ पे थोड़ा वक्त बिताया काफ़ी है। नर्मदे हर। तो नर्मदे हर। देखिए यहाँ पे मैं जल लेने के लिए रुका और मुझे मालूम पड़ा कि ये हवेली भी इन्हीं की है और ये 150 साल पुरानी है तो थोड़ा मौका मिला है तो आपको एक हवेली भी दिखा देता हूँ। यहाँ की कौन सा गांव है? पाटना। पाटना, पाटना गांव की 150 साल पुरानी हवेली। Oh,
सदी की परिक्रमा के दौरान मैं आपको कुछ अलग चीज़ें भी दिखा रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको ये सब भी देख के आनंद आ रहा होगा। ज़िंदगी में पता नहीं दोबारा इधर आना होगा नहीं होगा, कब होगा, पर जो चीज़ मिलती जा रही है और बेहद ही कीमती हो तो उसको आपके साथ साझा करते जा रहा हूँ। तो देखिए अभी आपको मस्त एक पुराना घर दिखाया और बड़ा ही खूबसूरत था। पुरानी तरह की टेक्निक और डिज़ाइन आपको देखने को मिली। अब हम कहने पे सड़क पे चल रहे हैं लेकिन बिल्कुल ग्रामीण इलाका है और बिल्कुल सुकून, एकदम शांति, किसी को कोई जल्दी नहीं, कोई हलचल नहीं। पक्षियों की चहचहट भी सुनाई देगी, लोग भी आपको बात करते हुए दिखाई देंगे, पशु पक्षी भी नज़र आने वाले हैं इसमें, और थोड़ी थोड़ी बाइक पे सवार बाइकर्स भी। तो वक्त हो चला है 4:42 और अभी यहाँ पे बड़ के पेड़ के नीचे मैंने आराम करा, थोड़ा चाय पी, और यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर से थोड़ा सा अधिक मुझे परिक्रमा की दूरी तय करनी है और लगभग मेरे पास में है 45 मिनट, तो हम आराम से कर लेंगे। बढ़ते रहते हैं धीरे धीरे। नर्मदे हर कृपालु आनंद आश्रम कोटेश्वर महादेव मंदिर। तो वक्त हुआ है 5:24 और आप मेरे पीछे सूर्यास्त होते हुए देख सकते हैं। अभी थोड़ा वक्त है और हम आश्रम पे लगभग पहुंच गए हैं 300 कदमों की दूरी पे। चलिए आश्रम पहुंचता हूं और फिर आपको आश्रम भी दिखाता हूं। हम आपको बता दें कि यहां पर हमारा शुक्ला जी इंतज़ार कर रहे हैं, जो कि हमारे साथ पहले थे और अब काफ़ी दिनों बाद फिर टकराएंगे। ये देखिए हमें कौन मिल गया यहाँ पे कोटेश्वर महादेव पे, अयोध्या वाले शुक्ला जी। नर्मदे हर, नर्मदे हर। आज के दिन की हमारी परिक्रमा यहीं पे समाप्त होती है और आज यहीं पे हम विश्राम करेंगे, रात्रि का भोजन प्रसादी लेंगे, मैया का ध्यान करेंगे और आनंद में रहेंगे। उम्मीद है आपको भी हमारे साथ आनंद आ रहा होगा। आपके कमेंट्स, आपके प्रतिक्रिया जानने के लिए हम लोग बेहद ही उत्सुक हैं। आपकी प्रतिक्रिया देते रहिए और हमें बताते रहिए कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। आपके हर कमेंट्स का हम बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।